जंगल राज में सरवाइव करना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ हर जानवर को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना ही पड़ता है, चाहे फिर किसी से अपनी जान बचानी हो या अपनी भूख के लिए किसी की जान लेनी हो। जंगल की इन फाइट्स का एक ही रूल है कि इनका कोई रूल नहीं है। आपको जीना है तो जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी ही 15 चुनिंदा भयंकर जानवरों की लड़ाइयाँ, जिसे देखते हुए आपकी सांसें अटक जाएंगी और अगर नहीं देखी तो बड़ा अफसोस होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और एक सेकंड भी इसे मिस मत कीजिएगा। नंबर 15, एलिगेटर वर्सेस पायथन। जंगली मगरमच्छ कितने खतरनाक और दरिंदे किस्म के होते हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। और पायथन्स का फैमिली बैकग्राउंड भी कोई कम खतरनाक नहीं है। ये लड़ाई इन्हीं दोनों दरिंदों के बीच होने वाली है। बैटल ग्राउंड है कीचड़ से भरा तालाब। यहाँ ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर किसने किसको झगड़े के लिए उकसाया है, मगर हमला तो दोनों ओर से एक ही साथ हुआ है। शुरुआत में देखकर लग रहा है मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़ों के बीच सांप को कुचलकर चबा जाएगा, मगर अब थोड़ी देर बाद सांप मगरमच्छ पर हावी हो रहा है और मगरमच्छ को चारों तरफ से जकड़ लिया है। अब इस जंग में जाने किसकी जीत होगी और कौन मौत के घाट उतरेगा। वैसे इस भयंकर लड़ाई को ही कैमरा में कैद करना दिल दहला रहा है। नंबर 14, मॉन्गूस वर्सेस कोबरा। सांप और नेवले की दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। एक दूसरे को देखते ही इनकी खोपड़ी घूम जाती है, सीधे मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए कैसे एक नेवला सांप से टक्कर लेने के लिए उतावला दिख रहा है, मगर जैसा अक्सर होता है कि नेवला सांप से हर जंग जीत जाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेवले ने सांप की पूंछ पर एक बार तो वार किया था, मगर लगता है आज नेवले की दाल नहीं गलने वाली है। ये लड़ाई बेनतीजा ही रही। नंबर 13, बबून वर्सेस क्रोकोडाइल। कहते हैं अपने बच्चे के लिए तो बिल्ली भी शेरनी बन जाती है, और यहाँ तो भला बबून मॉम है। जब खून के प्यासे एक मगरमच्छ ने बबून के छोटे बच्चे पर हमला करने की कोशिश की, तो बगैर अपनी जान की परवाह किए ये मदर बबून इस पानी के दरिंदे से यूं भिड़ गई जैसे आज तो उसे पाताल की गहराई में गाड़ देगी। और सिर्फ भिड़ी ही नहीं, उसे दूर पानी तक मार मार कर खदेड़ भी दिया। वैसे बबून तो जीत गई, मगर इस जंग में एक माँ हार गई, क्योंकि अब तक उसका बच्चा मर चुका है। ये जंगल है, यहाँ यही निर्दयता चारों तरफ फैली हुई है। नंबर 12, कैट वर्सेस कैट। इस वीडियो क्लिप में आप आसानी से देख सकते हैं कैसे एक चालाक कौवे ने एक बिल्ली से खुद की जान बचाने के लिए दो बिल्लियों को आपस में लड़वा दिया। ऐसा अक्सर होता है जब दो अच्छे दोस्तों के बीच कोई तीसरा या कह लीजिए तीसरी आ जाती है, और वो अपने मतलब के लिए दोनों दोस्तों को लड़वा देती है और फिर दूर बैठकर तमाशा देखती है। इस छत पर खुलेआम जो हो रहा है इसी से तो मिलती जुलती कहानी है। इस केस में वो तीसरा शख्स ये कौवा है। सच में कौवे बहुत धूर्त होते हैं। नंबर 11, स्लॉथ वर्सेस ईगल। जब भी स्लॉथ के बारे में सुनते हैं तो हमें अपना सबसे आलसी दोस्त याद आता है जो हमेशा बस सोता ही रहता है। मगर जब स्लॉथ की ईगल से लड़ाई की ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे। देखिए कैसे ये खतरनाक और खूंखार पक्षी अपनी जानलेवा चोंच और शैतानी पंजे लेकर स्लॉथ की ओर झपट्टा मारने चला है, मगर बजाय डरने के या भागने के स्लॉथ ने ईगल का सामना किया और ईगल को ही पीछे हटना पड़ा। अब ये भी हो सकता है कि स्लॉथ को भागने में ही आलस आ रहा हो, इसलिए उसने लड़ना ही सही समझा। खैर जो भी हो, उसने ईगल को हरा दिया था। नंबर 10, इगुआना वर्सेस मल्टीपल स्नेक्स। ये देखिए यहाँ इस वीडियो क्लिप में कैसे एक अकेली इगुआना छिपकली पर सांपों का पूरा झुंड घात लगाकर हमले की तैयारी कर रहा है, जैसे सारे कौरव मिलकर अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हो। और एक सांप ने आगे बढ़कर इगुआना पर हमला कर दिया, मगर शायद इगुआना इस हमले के लिए पहले ही तैयार थी। उसने पलटवार करने के बजाय भागना ज्यादा सही समझा, क्योंकि वह इस समय अकेली थी और सांप झुंड में थे। एक बार तो सांपों ने आपस में लिपट चिपट कर कैसे भी इगुआना को दबोच लिया था, मगर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, इगुआना किसी तरह बचकर निकल भागी। नंबर 9, गजेल वर्सेस चीता। ये लड़ाई साफ तौर पर भूख मिटाने और जान बचाने के बीच की है। इस बार इस गजेल पर एक नहीं बल्कि दो दो चीता ने एक साथ हमला कर दिया। गजेल भी अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागे जा रहा है,
क्योंकि उसे पता है अगर रुका तो सांसें ही रोक दी जाएंगी। ये खूंखार दरिंदे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। मगर चीता की रनिंग के आगे बेचारा गजेल कितनी देर तक टिक पाता, आखिरकार पकड़ा ही गया। मगर यहाँ भी उसने हार नहीं मानी, अंतिम सांस तक मैदान जंग में डटे रहने की ठानी और चीता पर पलटवार कर दिया। चीता इस वार के लिए तैयार नहीं था। बेचारा गजेल के सींगों के वार से जब तक संभलता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हमारा हीरो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। नंबर 8, कैट वर्सेस एलिगेटर। यहाँ इस कैट की हिम्मत तो देखिए जरा, पिद्दी सी बिल्ली कैसे इस खूंखार दरिंदे के सामने सीना ताने खड़ी है। अक्सर यही माना जाता है कि बिल्ली तो मगरमच्छ के लिए नाश्ते के बराबर भी नहीं है, मगर यहाँ कहानी उल्टी पड़ गई। लगता है बिल्ली की लगातार ललकार सुनकर मगरमच्छ महाराज डर गए और उल्टे पाँव वापस अपने घर की ओर निकल लिए। आज एक बिल्ली ने हमेशा हमेशा के लिए अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। अब इतिहास में लिखा जाएगा कैसे एक शैतान मगरमच्छ एक छोटी सी बिल्ली से हार गया। नंबर 7, ऑक्टोपस वर्सेस शार्क। चलिए अब आपको समंदर में ले चलते हैं। समंदर में भी शैतानी दरिंदों और खूंखार जानवरों की कोई कमी नहीं है। सबसे अटैकिंग और अग्रेसिव मछली शार्क का कोई भरोसा नहीं होता। इसे कब भूख लग जाए, ये जहाँ भी टेस्टी खाना देखती है बस उसे निगलने के लिए उस पर हमला बोल देती है। मगर इस बार उसने गलत जानवर पर निशाना साधा है। 8 भुजाओं वाला ये दानव भी दरिंदगी के मामले में किसी से कम नहीं है। जैसे ही शार्क ने ऑक्टोपस पर हमला किया, इसने उसे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। मुझे तो अमिताभ बच्चन का वो गाना याद आ रहा है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ। नंबर 6, हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। ये तो हम देख ही चुके हैं कि क्रोकोडाइल कितना भयानक और खूंखार शिकारी है, मगर हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उससे अपना शिकार मिल ही जाए। यहाँ देखिए, जैसे ही पानी में किसी जानवर को देखकर ये मगरमच्छ उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए पानी में उतरा, ये दुष्टता एक हिप्पो से देखी नहीं गई। ये भारी भरकम जीव बड़े दयालु किस्म के माने जाते हैं और इसके आसपास रहते हुए किसी का भी शिकार करना मगरमच्छ जैसे शिकारियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम चीज यहाँ भी हुई, हिप्पो ने इस मगरमच्छ को उछाल कर पटक दिया। मगरमच्छ को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। नंबर 5, डॉग वर्सेस फॉक्स। लोमड़ी और बिल्लियों की लड़ाइयां तो बहुत आम है, अक्सर बिल्ली लोमड़ी का शिकार हो जाती है, मगर इस बार कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। इस फॉक्स को देखिए कैसे एक पार्क में घात लगाकर खड़ी है और अपने शिकार बिल्ली की हरकतों का मुआयना कर रही है कि जैसे ही सही वक्त आए और वो हमला करे। मगर बेचारी इस बार एक कुत्ते के हत्थे चढ़ गई। कुत्ते ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा और तब तक पीछा करता रहा जब तक कि फॉक्स को शहर से बहुत दूर जंगल तक नहीं भगा दिया। नंबर 4, चिम्प्स वर्सेस रैकून। इस वीडियो में आप चिंपैंजीज की आतंकवादी हरकतें देखेंगे। पता नहीं कैसे मगर एक बेचारा रैकून इन चिंपैंजीज के बाड़े में घुस गया और इस अनचाहे मेहमान के साथ जो बर्ताव इन चिंपैंजीज ने किया उसे मेहमान नवाजी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। बेचारे रैकून को इन्होंने उठा उठा कर पटका, झुला झुला कर पटका, पटक पटक कर मारा। वो तो इस रैकून की किस्मत अच्छी थी जो इन दरिंदों के चंगुल से जिंदा बचकर भाग गया, वरना ये बंदर आज ही उसकी चिता बना देते। वैसे मुझे तो ये मामला लड़की छेड़ने का लग रहा है। रैकून किसी बंदरिया का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया होगा, इसलिए बंदरिया के घर वालों ने इसे धोया होगा। नंबर 3, टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। ये मगरमच्छ खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है, किसी से भी पंगे ले बैठता है। ये वीडियो एक पार्क में कैप्चर की गई थी जब एक टाइगर और क्रोकोडाइल के बीच लड़ाई हुई थी। नॉर्मली ये एक दूसरे से भिड़ते नहीं है, मगर इस टाइगर के सर पर 3-3 क्रोकोडाइल्स को डुबाकर मार देने का इल्जाम है। मगरमच्छ खतरनाक हो सकता है, मगर टाइगर से तो उसे सोच समझ कर ही पंगा लेना चाहिए। नंबर 2, लायन वर्सेस के बफलो। ये लड़ाई सबसे खतरनाक है। सभी जानते हैं कि एक अकेला शेर एक भैंसे को नहीं हरा सकता और ठीक इसी तरह एक भैंसा भी अकेले एक शेर को नहीं हरा सकता। इस वीडियो में आप शेर और भैंसे के झुंड के बीच की लड़ाई देखेंगे। यहाँ शेरों के एक झुंड ने एक अकेले भैंसे को घेर लिया है और उसका शिकार करने की पूरी तैयारी कर ली है, मगर भैंसा भी किसी तरह गिरते पड़ते उस इलाके में इन शेरों को ले आता है जहाँ उसके साथी थे।
भैंसे की आवाज सुनकर उसके साथ ही उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और देखिए कैसे इस भैंसे ने अपने सींग से इस शेर को हवा में उछाल दिया है। और उसने ऐसा एक बार नहीं दो बार किया। अपने साथ ही शेर की ये दुर्गति देखकर बाकी के शेर उस तरफ फटके भी नहीं, और इस तरह भैंसों का झुंड शेरों के झुंड से जीत गया। नंबर वन, ज़ेब्रा वर्सेस वॉटहॉग। ये वीडियो साउथ अफ्रीका के एक पार्क की है, जहां एक कोने में बहुत सारे ज़ेब्रा बढ़िया से घास चर रहे थे, और वहीं पास में एक जंगली सुअरों का झुंड भी था। सब बढ़िया चल रहा था, मगर तभी एक सुअर चरते चरते एक ज़ेब्रा के बहुत पास चला गया। ज़ेब्रा को गुस्सा आ गया, उसने सुअर के मुंह पर एक जोरदार लात जमा दी, मगर शायद इतने में ज़ेब्रा का पेट नहीं भरा था, तो उसने ताबड़तोड़ कई सारी लातें उसके मुंह पर जमा दी। बेचारा सुअर मुफ्त में ही पिट गया। तो ये थी वो खतरनाक और मजेदार एनिमल फाइट्स, जिन्हें देखना एक अलग ही मजा देता है और जंगल के खूंखार जानवरों के रवैये से रूबरू भी करवाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और हमें कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी फाइट आपको सबसे डेंजरस और इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।